अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद एना। आज मैंने अपने चैनल पर मैंगो डिलाइट बनाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है और क्विक बनता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हम लेंगे दूध 1.5 लीटर, और दूध को आप बॉईल कर लें। देखें व्यूअर्स, दूध बॉईल हो रहा है। वनीला कस्टर्ड लेंगे 4 टेबलस्पून, और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप दूध। आप दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें और कस्टर्ड को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। आपने ठंडे दूध में कस्टर्ड को मिक्स करना है। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालें और उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड डालते हुए आप चूल्हे को आहिस्ता कर लें, और जब आप कस्टर्ड उसमें डाल दें तो आप चूल्हा तेज़ कर दें। वैसे कस्टर्ड बनाते हुए हम उसमें इलायची डालते हैं खुशबू के लिए, लेकिन जब आप मैंगो डिलाइट के लिए कस्टर्ड बनाएं तो आप उसमें इलायची ना डालें, क्योंकि हमें सिर्फ प्योर वनीला कस्टर्ड चाहिए, इलायची वाला नहीं चाहिए। कस्टर्ड को आप गाढ़ा होने तक पका लें, लेकिन देखें व्यूअर्स, आपने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि ये ठंडा होके और गाढ़ा हो जाता है। जब कस्टर्ड इस तरह उबल कर ऊपर की तरफ आ जाए, देखें व्यूअर्स, तो आप इसमें चीनी डाल लें। मैं इसमें 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ज़्यादा कर सकती हैं। चीनी डालकर आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है, और फिर चूल्हा बंद करके कस्टर्ड को ठंडा कर लेना है और मुसलसल साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपके कस्टर्ड के ऊपर मलाई की तह ना आए। 1 पैन में 1 पैकेट जेली बना लें। मैंगो डिलाइट की डेकोरेशन के लिए गर्म पानी में आपने जेली को डालना है और बस तब तक उसको मिक्स करना है जब तक वो अंदर भल ना हो जाए। अब आप इसे किसी मोल्ड में डालकर ठंडा कर लें या किसी प्लेट में, ताकि आप बाद में इसके क्यूब्स काट सकें। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हम कस्टर्ड में डालेंगे आम। मैंने 3 आम लिए हैं और उनके क्यूब्स काट लिए। फ्रूट कॉकटेल, क्रीम 1 पैकेट। सबसे पहले आप कस्टर्ड में क्रीम ऐड करें, 1 पैकेट क्रीम। मैंने कुछ क्रीम ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए रखी है। अच्छी तरह क्रीम मिक्स करके
आपका कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। फिर आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंगो क्यूब्स डाल दें और साथ ही फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर दें। मिक्स करके आप इसे सर्विंग बाउल में डाल लें। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसे ऊपर से डेकोरेट करूंगी चेरीज के साथ, मैंगोज और क्रीम के साथ।